Yes, again we continue coordinate chemistry and coordinate जो chemistry है very well transition elements के जो compounds है transition elements के जो compounds है वो coordinate compounds बिल्कुल आप well known coordinate compounds होते हैं. Clear? Now the second important thing is जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम टर्मिनोलॉजी, हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. वंस अगर हमारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो हम बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को आगे पेनिट्रेट कर सकते हैं. क्लियर? सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टर्मिनोलॉजी. तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन, लिगेंड, सेंट्रल मेटल केटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब देखा है. उसी ऑर्डर में हम आज कंटिन्यू करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर? नाउ इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मींस द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल केटायन. ऑक्सीडेशन नंबर मींस चार्ज. क्लियर? सो ऑफ सेंट्रल मेटल केटायन, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड वन इज मेटल, ऑल राइट, और सेंट्रल मेटल केटायन, अनादर इज लिगेंड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम लिगेंड टू सेंट्रल मेटल केटायन. तो ऑक्सीडेशन स्टेट मींस द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल केटायन. तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमको ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आना चाहिए. तो इट्स वेरी सिंपल, हमको आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम. सपोज यू हैव प्रोवाइडेड एनी कंपाउंड, तो जस्ट आपको फोकस करना है कॉम्प्लेक्स पार्ट पर. जो बिग पेरेंथेसिस बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट. ये जो हमारा पार्ट है वो पार्ट है कॉम्प्लेक्स पार्ट, लेकिन ये चार्ज लग रहा है इसलिए आप इस पार्ट को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन. क्लियर? नाउ इस कॉम्प्लेक्स आयन में आपको ये जो मरकरी है, सेंट्रल मेटल केटायन जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ट्रांजिशन, इसका आपको चार्ज कैलकुलेट करना है. क्लियर? तो लेट दिस एच जी इज एक्स. सी एन पर आपको मालूम है सी एन जो है साइनाइड कैरीज नेगेटिव चार्ज, सो माइनस वन होता है तो फोर टाइम्स, तो माइनस फोर, और इस पूरे टोटल पर चार्ज है माइनस टू, तो इनका सम जो हो गया वो माइनस टू. तो एक्स इज इक्वल टू जस्ट दिस माइनस फोर शिफ्ट राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का प्लस हो जाएगा. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल केटायन इस कंपाउंड के अंदर मरकरी का प्लस टू है. और एग्जाम्पल देखते हैं, सीओ एन एस थ्री होल ट्वाइस सी एल फोर एन माइनस वन. तो आपका ये सेंट्रल मेटल केटायन है, इसका आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो एक्स, अमोनिया इज न्यूट्रल, तो आपको मालूम होना चाहिए अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, देयर फोर ये जीरो हो गया. तो टू टाइम से जीरो इंटू टू जीरो. सी एल वेरी वेल इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस वन, तो सी एल का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस है तो माइनस फोर. और ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन आयन है इसका टोटल चार्ज है माइनस वन, तो इज इक्वल टू माइनस वन. तो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, जब ये माइनस फोर इधर शिफ्ट होगा तो प्लस थ्री. तो यहां पर जो आपका कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल केटायन, उसके ऊपर चार्ज है प्लस थ्री. इसी तरह से जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो आपका मरकरी था उस पर जो चार्ज है वो है प्लस टू. और एग्जाम्पल देखते हैं, सी यू सी एन होल फोर माइनस टू. तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर सी यू का निकालना है, तो लेट दिस इज एक्स. सी एन का अभी अभी बताया माइनस वन, तो माइनस फोर. टोटल चार्ज आपका माइनस टू है, तो प्लस फोर एंड माइनस टू, ये आपका प्लस टू हो जाएगा. मीन्स ये जो कंपाउंड है उसमें कॉपर पर जो चार्ज है वो प्लस टू है, जिसको आप क्यूप्रिक बोलते हैं. क्लियर? नाउ सीओ एन एस थ्री होल फोर एस टू ओ एस सी एल एन एसओ फोर.
तो अगेन आपको निकालना है कोबाल्ट का, तो लेट कोबाल्ट इज एक्स, अमोनिया अभी अभी बताया है जीरो, तो जीरो लगा दीजिए। H2O पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो H2O का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है, जीरो, ठीक है, तो आप जीरो लगा दीजिए यहां पर। तो X प्लस जीरो अमोनिया की जगह, H2O की जगह भी जीरो, बट Cl अभी अभी देखा है आपने माइनस वन, तो माइनस वन कर दीजिए। एंड SO4, SO4 का माइनस टू होता है, यू नो वेरी वेल सल्फेट, ये आप जब धीरे धीरे सारी चीजों को देखेंगे तो सल्फेट पे माइनस टू होता है, आपने लगा दिया। एंड टोटल यहां पर कोई आयन नहीं है, इसे जीरो, तो माइनस टू एंड माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन एंड माइनस टू आपका माइनस थ्री हो गया। राइट से आप जब लेफ्ट में ले जाएंगे तो आपका एक्स प्लस थ्री होगा, मतलब इन दिस कंपाउंड कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है। क्लियर? नाउ सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मींस आपका जो सेंट्रल मेटल केटायन है, उस सेंट्रल मेटल केटायन का चार्ज हो गया, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? नाउ चलिए आगे देखते हैं, निकल, सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स पार्ट, हमने पहले ही इसे कहा है, जो पार्ट बिग पैरेंथेसिस में होगा डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ये निकल की जगह आपने एक्स रखा, बट कीप इन माइंड ये जो आपका कार्बोनाइल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, जैसे अमोनिया के कोई चार्ज नहीं था, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया, जैसे वाटर का कोई चार्ज नहीं था, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया। तो एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया। क्लियर? तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट देखते, जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे, उतना ज्यादा हमको यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो एग्जांपल सारे देखने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये करके देखते हैं, तो कॉपर, लेट कॉपर इज एक्स, अमोनिया जीरो, सल्फेट माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, तो इस कंपाउंड में कॉपर पर जो चार्ज है वो आपका प्लस टू है। क्लियर? सिमिलरली और एग्जांपल्स को करके देखते हैं, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं, जितने ज्यादा एग्जांपल आप कर सके करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्लियर? चलिए देखते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं हम, सपोज यहां से चालू करते हैं, K4Fe(CN6), तो K4 यू नो वेरी वेल पोटेशियम कैरीज प्लस वन चार्ज, तो यहां पर प्लस फोर हो गया, आयरन की जगह एक्स, और CN तो आपको मालूम चल गया कि CN पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा माइनस वन, तो माइनस सिक्स, क्योंकि मल्टी एक CN पे माइनस वन है, तो मल्टीप्लाई विथ सिक्स, तो सिक्स एंड माइनस सिक्स एंड प्लस फोर, दिस इज माइनस टू, राइट में आप ले जाएंगे तो दिस इज प्लस टू। नाउ PtCl6-2, तो प्लेटिनम सेंट्रल मेटल के टाइन है आपका एक्स, Cl का अभी अभी आपने देखा है हर जगह Cl कैरीज माइनस वन चार्ज, तो माइनस सिक्स, क्योंकि सिक्स है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज माइनस टू, तो माइनस सिक्स का प्लस सिक्स हो जाएगा, तो प्लस फोर, यहां पर जो आपका प्लेटिन है, प्लेटिनम है, उस पे चार्ज प्लस फोर है। सिमिलरली K2PdCl4, तो आपको हमने बताया फोकस आपको करना चाहिए कॉम्प्लेक्स पार्ट पर, आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट पर फोकस करना चाहिए, उसमें जो ये सेंट्रल मेटल केटायन है उसकी जगह आप एक्स रखेंगे, तो पोटेशियम का आपको मालूम है प्लस वन प्लस टू प्लस एक्स, और क्लोरीन का आपको मालूम है माइनस वन, तो माइनस फोर, माइनस फोर एंड प्लस टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, यहाँ जो आपका पेलेडियम है उस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टू है। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आप जैसे जैसे एग्जांपल्स को करेंगे वैसे वैसे ये आपका क्लियर होता जाएगा। चलिए और टर्म्स को देखते हैं, अब आपने अभी अभी चार्ज की बात की, तो अब मैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन निकालना, तो आज हमारा अभी हम जो कर रहे हैं वो हमारी एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में हम आपको बता रहे हैं कि आपको उस एक्सरसाइज के अंदर आपको चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन निकालना है, मतलब जो आपका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट था, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कितना चार्ज है, लेट दिस इज एक्स, उसको आपको निकालना है। तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल केटायन, दो चीजों पर अंडरलाइन किया है, लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल केटायन।
सबको मालूम है कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल केटायन होगा जिस पर कोई चार्ज होगा, जो पहली एक्सरसाइज में निकाला है आपने, उसके साथ लिगेंड एनी नंबर होंगे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस मेटल सेंट्रल मेटल केटायन और लिगेंड, इन पर जो टोटल चार्ज होगा उनका एल्जेब्रिक सम इसके ऊपर आना चाहिए। तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब जो बड़े ब्रैकेट में था इसके ऊपर कितना चार्ज है वो आपको बताया, मे बी प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कितना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम को हम बोलेंगे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सॉल्व वापिस आपसे कहा है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स पे जाना पड़ेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हम लाते हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखिए, सॉल्व करके देखिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो। HG आपको एक एग्जाम्पल दिया है, HgCN4। अभी ऐसा बोल रहे हैं, बाद में जब आप को इनका नोमेनक्लेचर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। HgCN4 और यहां पर चार्ज है। ठीक है, यू डोंट नो क्या चार्ज है प्लस माइनस, आपको तो ये मालूम है कि यहां पर जो चार्ज है वो एक्स है, ये एक्स क्या होगा, यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस, और बोला है कि इसमें HG के ऊपर +2 चार्ज है, दिस इज गिवन। तो देखिए HG आपको निकालना है एक्स, तो इसका एल्जेब्रिक सम होगा, तो HG पे कितना है +2, दिस इज गिवन। CN का कितना होता है -4, ऑल राइट, तो -4 एन +2 इज इक्वल टू -2, तो एल्जेब्रिक सम इन दोनों का आया है -2, तो HgCN4 -2। अब आप HG का निकाल के बेक टेस्ट कर लीजिए कि लेट HG इज इक्वल टू एक्स, मान लो निकालना पड़े बेक टेस्ट, -4 ओके इज इक्वल टू -2, तो एक्स इज इक्वल टू -2 +4 इज इक्वल टू +2। तो देखिए HG का यहां पर +2 आपने बेक टेस्ट भी कर लिया। चलिए इस कंपाउंड में आपको निकालना है, और गिवन CO का +3 है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू CO की जगह पर +3, प्लस अमोनिया का 0 होता है तो 2 × 0, क्लोरीन का -1 होता है तो 4 × -1 इज इक्वल टू, मालूम नहीं था आपको क्योंकि एक्स तो निकाल, एल्जेब्रिक सम +2 एंड -4, तो आपका हो जाएगा -1, तो इस पे पूरा एक्स की जगह पर आपका -1 आएगा। देन एफी सी एन क्या है मालूम नहीं आपको, तो एक्स निकालना है तो एफी दिया हुआ है +2, तो लेट एफी इज इक्वल टू +2, सी एन इज इक्वल टू -1 तो -6, अब इनका एल्जेब्रिक सम तो -6 एंड +2 इट इज -4, तो यहां पर एक्स आपके आ गया -4, दिस इज गिवन, बट सीओ इज इक्वल टू +3, तो हाउ यू कैलकुलेट एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू +3, अमोनिया इज 0, 5 × 0, सी एल इज -1, तो +3 एन -1 +2, तो इस कंपाउंड के ऊपर +2, आप बेग जाके देख लीजिए, लेट सीओ इज इक्वल टू एक्स, अमोनिया इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो -1, एंड टोटल चार्ज इज +2, क्लियर। तो आप देख लीजिए यहां पर एक्स इज इक्वल टू +2 एंड -1 राइट में जाएगा तो +1 डेट इज +3, तो यहां पर आपका सीओ देखिए करेक्ट है, आपको सीओ +3 दिया था तो आपने एक्स निकाला +2, लेकिन अगर आपको +2 मिल गया तो आपने सीओ को निकाला +2, मीन्स आपका बिल्कुल क्लियर है। तो ये भी एक एक्सरसाइज है कि आपको कॉम्प्लेक्स पे पूरा चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एक और टर्म है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आपको आना चाहिए, द लिगेंड्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम इन डेफिनेट डायरेक्शन इन द स्पेस, द स्पेस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन। तो पहले आपको ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रेन पहले आना चाहिए, तो दो तीन चीजों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप सब लोग देखिए उन चीजों को। स्पेस अरेंजमेंट, एक तो मैंने इस पे किया स्पेस अरेंजमेंट ऑफ किसका, लिगेंड्स अराउंड किसके, सेंट्रल मेटल केटायन, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रेन। तो पहले आपको आना चाहिए
दो तीन चीजें आनी चाहिए। जो फर्स्ट है वो तो ये है कि आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बड़े ब्रैकेट में होगा, जिसमें सेंट्रल मेटल केटायन होगा, उसके साथ में लिगेंड होगा, लिगेंड का कोई भी नंबर होगा, यहाँ पर एक्स लगा देते हैं, और बाहर सिंपल आयन होगा, मे बी राइट में या फिर लेफ्ट में। अब ये जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल मेटल केटायन होगा, ये जो मेटल है अराउंड इस सेंट्रल मेटल केटायन, लिगेंड का जो एक्स नंबर हो, जो आपका अरेंजमेंट होगा, डेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो डेफिनेशन पार्ट सबका क्लियर हो गया। स्पेस अरेंजमेंट का मतलब है कि ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर मेटल था, उस मेटल के चारों तरफ लिगेंड का क्या अरेंजमेंट है, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। द स्पेस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो आई थिंक ये आपका सबका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल NiCl4, तो जब आपके पास में 4 होता है तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, CN4 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो मालूम चल गया, लेकिन थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि कब टेट्राहेड्रल होगा और कब स्क्वायर प्लेनर होगा। जैसे पहले कंपाउंड में 4 था तो टेट्राहेड्रल CN क्लोरीन के अराउंड दिस निकल, CL जो है वो लिगेंड, दिस इज लिगेंड, टेट्राहेड्रल अरेंज है तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल पॉलीहेड्रन। लेकिन स्क्वायर प्लेनर इसमें CN इस तरह से अरेंज है, जहां यहां पर तो एंगल था 109 डिग्री एंड 28 मिनट टेट्राहेड्रल, यहां पर है 90 डिग्री का, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया CN इस तरह से। तो आज आपको ये याद करना है कि इफ कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना आ गया 4, जो इजीली आ जाएगा देख के, तो मान के चलना है इधर द जियोमेट्री इज टेट्राहेड्रल, जो लिखा है मैंने, और द जियोमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। ये आगे जाके कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा जो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो दो आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मतलब एक जियोमेट्री हो गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, चलिए अगर 4 नहीं है 6 है तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 6 है, देखिए तो इसके अंदर जब 6 है तो 6 में एक ही जियोमेट्री है, ये आपका पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सेंट्रल मेटल केटायन, और इस सेंट्रल मेटल के टाइम के अमोनिया चारों तरफ से ऐसे अरेंज है, दिस शेप इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल शेप। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहीं भी नजर आ जाए, कैसे भी नजर आ जाए, ऑक्टाहेड्रल वेयर द एंगल इज 90 डिग्री, जो मैंने लिखा हुआ है। तो एक दो बहुत फेमस है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्यादा फेमस है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्यादा फेमस है, इसी पर मैक्सिमम एग्जांपल आते हैं, बाकी पे बहुत ज्यादा आते नहीं है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए 2 होता है, तो इसको वहां पर जो पॉलीहेड्रन होता है वो लीनियर होता है और वहां एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो कीप इन माइंड वहां पर जो आपका जियोमेट्री होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल जो होगा वो 120 का होगा। बाकी मैंने 4 और 6 का आपको बता ही दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। एक और हमारी टर्म पूरी हो गई, पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है, चलिए अब हमको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी। तो हम जो नया चालू करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ये भी टर्म्स है कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आप कब केटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, कब एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और कब आप न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आप बोलेंगे, तो इसको हमको थोड़ा सा देखना है। तो कीप इन माइंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आए, 3 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। केटायनिक कॉम्प्लेक्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स विच इज विदाउट चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया है और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर सिंपल आयन राइट हैंड साइड में हो,
क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि पहले हम हमेशा पॉजिटिव पार्ट को लिखते हैं और बाद में हमेशा राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइड को लिखते हैं, तो अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट हमेशा कौन सा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपने NaCl को लिखा है, तो Na इज पॉजिटिव एंड Cl इज नेगेटिव, तो फर्स्ट वी राइट पॉजिटिव देन वी राइट नेगेटिव। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, पापा मम्मी नाना नानी दादा दादी भैया भाभी, कीप इन माइंड पॉजिटिव नेगेटिव ये चलता है, ठीक है। लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसपे या तो नेगेटिव चार्ज हो और या फिर सिंपल आयन पहले हो, तो जो पहले होता है वो पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया, क्योंकि पहला जो पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव। जैसे पहला पार्ट यहाँ पर ये था कॉम्प्लेक्स, तो दिस पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। और जिसके राइट में भी कुछ भी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ भी नहीं है, राइट हैंड साइड में भी कुछ भी नहीं है, जिस पर कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है ना ऊपर ना नीचे, तो डेट इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम कई बार मजाक में बोलते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाद में कोई वो केटाइनिक, जिस कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले कोई वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक, और जिसके आगे ना पीछे ऊपर ना नीचे, वो गाना सुना है ना आपने अमिताभ बच्चन का, तो फिर उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऑलवेज कीप इन माइंड माई डियर फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको पावरफुल बनाएगी, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस करके देख रहे हैं कि ओके यहाँ पर मुझे कॉम्प्लेक्स दिया था, पर इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पहले है, मतलब दिस इज केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें तो सीएल माइनस एंड दिस इज +3, क्योंकि बाहर माइनस Cl3 टाइम, तो -1 -1 इसको सेट करने के लिए इस पे चार्ज होगा +3, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पूरा न्यूट्रल दिया हुआ है। K4 इसमें सिंपल आयन पहले, तो दिस इज एनायनिक, तो दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसे? पोटेशियम 4 टाइम +1 +1 +1 +1 काउंटर करने के लिए -4, सो दिस इज एनायनिक। एंड इसके ना आगे है ना पीछे है ना ऊपर है ना नीचे, तो दिस इज विदाउट चार्ज, दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो आई होप कि आपको ये सारा आ गया होगा कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिर भी नीचे कुछ प्रैक्टिस है आपके लिए, आप प्रैक्टिस करके इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल चलिए प्रैक्टिस करते हैं टाइप्स ऑफ, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? सिंपल आयन बाद में है, पहले कॉम्प्लेक्स आयन, तो इट इज केटाइनिक। लेकिन नीचे वाले में आप क्या देख रहे हैं? सिंपल आयन बाद में पहले, तो ये भी केटाइनिक, क्योंकि जो पहले आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4N2 6 4, आउटसाइड को कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं देखते हैं, या तो हम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो इनसाइड दिस विद पेरेंथेसिस। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर सीएल पे देखिए माइनस है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हुआ? +1। यहाँ पर -2 है, तो कॉम्प्लेक्स पे काउंटर कितना हुआ? +2। तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन आप लिख सकते हैं Cr NH3 होल 4 Cl2 N+1। जब चार्ज को लगाते हैं तो बाहर वाले को हटा दीजिए, फिर लिख सकते हैं Cu NH3 होल 4 N+2। जब लगा रहे हैं तो बाहर वाले को हटा दीजिए, या आयन्स में लिखिए। एंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, तो आपको करके देखना पड़ेगा। लेट Cl Cr = X, अमोनिया 0, क्लोरीन 0, हो ही नहीं सकता 0 क्योंकि -1 होता है, तो क्लोरीन इज -2। कीप इन माइंड ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, इसको यहां से इरेज करिए, ये गलत है, और इसको वापस लिख दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस, पर Cl2 टाइम्स 2 × -1 = +1, सो X+0 −2 = +1, तो X = +1 + 2 = +3, तो चार्ज ऑन क्रोमियम इज +3। इसको करना है, कॉपर इज X, अमोनिया 0, बिकॉज 4 से मल्टीप्लाई भी 0 का 0 ही होगा, इट इज +2, सो X = +2। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट और कुछ प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी प्रॉब्लम करोगे आपको बेनिफिट होगा। ऑलराइट, तो लास्ट और प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर। नाउ सोडियम
पहले पूछा था आपसे कॉम्प्लेक्स, तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट इज सेकंड मींस एनायनिक. अगेन सिंपल आयन इज दिस एंड लेटर ऑन सो दिस इज एनायनिक. क्लियर. नाउ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे हमने यहां पर पूछी थी, आपको मालूम है हमने कहा था भाई बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा. क्लियर, हमने आपसे पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन नंबर हियर 6, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहां भी 6, बिकॉज आप देख रहे हैं यहां भी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. फिर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, तो दिस इज प्लस 2 सो काउंटर कितना होगा -2. दिस इज प्लस 3 सो काउंटर काउंटर कितना होगा -3. सो यू मे राइट हियर प्लेटिनम Cl6 एंड -2. यहां भी आप लिख सकते हैं Fe Cn होल 6 एंड -3. एंड फाइनली बोला है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल केटायन, तो लेट Pt इज x -6, Cl का माइनस होता है इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +4, क्योंकि इधर से -6 को आप उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा. Fex -6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +3. क्लियर, ये सारा आपको आना चाहिए, दिस इज कंपल्सरी, ये आपको आना ही चाहिए. ठीक है, क्लियर, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती जा रही है. ठीक, तो ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से यहां तक रखिए. लेकिन एक एग्जांपल और रह गया, उसको एक बार और कर लेते हैं. राइट राइट राइट, किसने पूछा है उस एग्जांपल को, हाँ ये लास्ट में रह गया तो एक करके देख लेते हैं. सबसे पहले पूछा था एनायन केटायनिक, तो डेफिनेटली बाद में, और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है तो दिस इज केटायनिक. नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर तो 5 एंड 1 6, क्योंकि 5 इज वाटर एंड दिस सारा 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. चार्ज तो डेफिनेटली -2 है, तो दिस कैरीज काउंटर +2, तो आपका ये Cr देन H2O होल 5 OH एंड +2, और ये आपका चार्ज निकालना है, तो लेट Cr इज इक्वल टू x, देन H2O इज 0, OH इज -1 इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू उधर जाएगा -1 +1, तो +3. क्लियर, यहां तक आपको सारा इस लेक्चर में आपको क्लियर होना चाहिए. तो हमने बहुत सारी जो है बेसिक चीजें हमने की है, और यहां पर हमारा टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो जाता है. तो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर हम सारा टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं. कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सिंपल आयन क्या होता है, सिंपल आयन आयोनाइजेबल होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है तो आयोनाइज नहीं होता है, लिगेंड और उसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है डेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. फिर हमने आज देखा केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जितनी भी आ रही थी वो हमारी एंड होती है. शेप भी हमने देखा, पॉलीहेड्रन, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, लीनियर. तो यहां पर हमारा पूरा टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट सेक्शन में कुछ प्रैक्टिस करने के बाद में एंटर होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.